हेलो एवरीवन, दिस इज योर उत्कर्ष यादव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 2018 का आखिरी दिन है, तो इस आखिरी शाम को खास बनाने के लिए मैं आपके सामने साइंस की कुछ ऐसी इनोवेशंस बताऊंगा जो शायद आपको पता होंगी। 2018 साइंस के लिए बेहद ही रोचक और नई संभावनाओं वाला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रॉकेट और अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी पर जीवन और मानव इतिहास के बारे में कई नई नई जानकारियाँ सामने आई हैं। तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉल्कन हैवी रॉकेट से। साइंस रिसर्च और इनोवेशन पर काम कर रही कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेट फॉल्कन हैवी को पहली बार उड़ाया। इसकी खासियत यह है कि इसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है। अंतरिक्ष में पहुँच कर फॉल्कन ने एक टेस्ला रोडस्टर कार को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा है। जी हाँ, एक जीरो ग्रेविटी में एक कार को छोड़ा है। यह ऐसा पहला रॉकेट है जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचकर वापस लौट आया है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम? जी नहीं, 1989 से दुनिया को वजन मापना सिखा रहा किलो का वॉट नवंबर में रिटायर कर दिया गया है। अब एक किलो को इलेक्ट्रिक किलो के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, 50 देशों ने एक मत से इसका निर्णय लिया है। दुनिया भर में कारोबारियों से लेकर अन्य गतिविधियों में इस नई विधि के किलो को शामिल किया जाएगा। फ्रांस में रखे प्लेटिनम मिश्रण के बांट इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम की जगह नई इलेक्ट्रिक किलो की खासियत यह है कि ये पुराने बांट की तरह गंदा होकर माइक्रोन के स्तर पर कभी भी भारी नहीं हो सकता है, ना ही कभी क्षरण से इसका वजन कम होगा। दावा किया गया है कि एक किलो की सटीक गणना जस की तस बनी रहेगी। यही नहीं, इसे पुराने वाट की तरह फ्रांस की लैब में तालों के बीच सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सभी से इसको शेयर किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं चाइना। यहाँ की खबर ने तो मुझे ही अचंभित कर दिया। चाइना के साइंटिस्टों ने नवंबर में दावा किया है कि उन्होंने जुड़वा डिजाइनर बच्चों को सफलता से जन्म करवाया है। ये दोनों बच्चियाँ हैं और इनकी विशेषता यह है कि ये जेनेटिकली एडिटेड हैं। उनके जीन में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं कि वे कई तरह की बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगी। इनमें से HIV वायरस मेन है। इन जुड़वा बच्चियों के नाम लुलू और नाना हैं। यह प्रयोग सफल रहा तो मानव जाति के अस्तित्व को नए तरीके से परिभाषित करने के रास्ते मिलेंगे। साथ ही कई प्रकार की जन्मजात बीमारियों से लेकर मनुष्य को अपने जीवन काल में होने वाले रोगों से बचाया जा सकेगा। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी ये क्या होती है? आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की ऑनलाइन करेंसी है। जैसे हमारी करेंसी रुपया है, इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन मार्केटिंग में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का मतलब इस साल अफेक्ट क्या रहा। क्रिप्टो करेंसी के लिए यह साल एक खौफनाक सपने की तरह बीता है। 15 दिसंबर 2017 को एक बिटकॉइन की कीमत, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, 19,650 US डॉलर थी। अगर मैं अपने पैसों में कैलकुलेट करें तो करीब 13 लाख रुपये। इस साल 15 दिसंबर को इसकी कीमत 3,183 US डॉलर थी, जो कि घटकर 3 लाख हो गई। मूल्य में करीब 80% की कमी से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की खरबों की पूंजी तबाह हो गई। इसके अलावा यह दुनिया भर में अपराध और टेररिज्म की पूंजी के तौर पर भी पहचाने जाने लगी है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में उत्साह की सबसे बड़ी निजता और सुरक्षा थी। निजता अपराध का सबब बन गई और सुरक्षा के दावे खोखले साबित हुए। जापान ने क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक पहचान दी थी। इसके लिए एक नियामक संस्था बनाई थी और दुनिया की सबसे बड़ी और पहली क्रिप्टो करेंसी चोरी भी जापान में ही हुई। 2018 में जापान में करीब $1 बिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी की सेंधमारी हुई। यह दुनिया भर में ऐसी कई दर्जनें घटना हुई हैं। मशहूर इन्वेस्टर और मेरे फेवरेट बर्कशायर हैथवे के CEO वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह सोना खरीदने से भी बदतर है और आखिर में इसकी हालत बहुत ही ख़राब होगी। यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला और ट्यूलिप सनक साबित होगा। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। हमारे बारे में बहुत सी बातें जो हम भी नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे, उन बातों को फेसबुक जैसी टेक कंपनियाँ जानती हैं। क्या यह डरावना नहीं है कि उन्हें हमारी पसंद, नापसंद, चाहत, नफरत, निराशा और उम्मीदों के बारे में पता है? चाहे इस बात पर हम यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सच है कि हम तकनीक के लुभावने जाल में इस तरह से फंस चुके हैं जहां से निकलना मुमकिन नहीं है। फेसबुक द्वारा कैम्ब्रिज एनालिटिका को अपने यूजर्स का डेटा बेचना सीधे तौर पर निजता के भरोसे की नीलामी थी। मेटा डेटा के नाम पर चल रहा इस खेल देशों की सरकारें बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखता है।
कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद फेसबुक ने अमेजन के साथ भी मेटा डेटा साझा किया। इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी कसमकस ये है कि लोग आज भी फेसबुक को चलाते जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल